माँ के गहने चुराकर गर्लफ्रेंड को देते थे रणबीर कपूर, बेटे को हैंगर से मारती थी मम्मी नीतू कपूर, क्यों शादी के बाद इतने बदल गए राहा के पापा, और इन सब का खुलासा खुद रणबीर ने किया है और इसमें उनका साथ दिया है मम्मी नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा ने। और ये सब हुआ है द ग्रेट इंडियन कपल शो पर। दरअसल इस शो का आगाज हो चुका है जो OTT नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। पहले एपिसोड में कपूर खानदान कपिल का मेहमान बना, जहां रणबीर अपनी मम्मी और बहन के साथ नजर आए और उन्होंने अपने परिवार के बारे में कई दिलचस्प खुलासे किए। शो के दौरान रणबीर कपूर ने बताया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए माँ नीतू कपूर के गहने चुराकर गिफ्ट कर दिया करता था। ऐसा मैं इसलिए करता था क्योंकि मुझे लगता था कि बाद में तो वो उनकी बहू बन ही जाएंगी। मैंने उससे कहा, तुम वैसे भी बहू बनोगी, इसलिए इसे रखो। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोटपोट हो गए। वहीं नीतू कपूर ने बताया कि लड़कियों को उन गहनों को पहने हुए देख मेरा रिएक्शन ऐसा होता था कि इस लड़की ने क्या पहना है, ये तो मेरा है। इसके बाद नीतू ने ये भी खुलासा किया कि रणबीर की पॉकेट मनी उतनी नहीं थी, इसलिए वो महंगे गिफ्ट नहीं खरीद पाते थे। इस पर वो मजाक में कहते हैं, बड़ा हाथ मारा है मैंने। आगे रणबीर ने बताया कि मैं अपने पापा से बहुत डरता था, अगर वो मुझे घूर भी लेते थे तो मेरे बड़े बड़े आंसू निकल जाते थे, लेकिन पापा उन्हें ही डांटते थे जिन्हें वो प्यार करते थे। पापा बहुत रिलीजियस थे, तो एक दिन मैं RK स्टूडियो गया था, पापा वहाँ पूजा कर रहे थे और मैं बिना जूते उतारे अंदर चला गया था। ये देख उन्होंने टपली मारी थी। इतना ही नहीं, रणबीर ने ये भी खुलासा किया कि उनकी मम्मी हैंगर से उनकी पिटाई करती थी। हालांकि नीतू कपूर ने बेटे की पिटाई वाली बात से साफ इनकार कर दिया। वेल, पहला एपिसोड तो काफी मजेदार निकला। आप क्या कहना चाहेंगे रणबीर के खुलासे पर, नीचे कमेंट्स कर बताएं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।